दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष लाखों स्नेक बाइट्स यानी सर्पदंश होता है, जिनमें कई हजार मौतें हो जाती हैं, जो वैश्विक स्तर पर सांपों के काटने से होने वाली सभी मौतों का एक बड़ा हिस्सा है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि सर्पदंश से पीड़ित केवल कुछ व्यक्ति ही हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर ट्रीटमेंट ले पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों में जागरूकता की कमी होना है। क्या आप जानते हैं, स्नेक्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे पॉइजनस एवं नॉन पॉइजनस, मतलब विषधारी तथा विषहीन सांप। अधिकांश विषैले सांप एलेपिड अथवा वाइपेरिड फैमिली से बिलोंग करते हैं। जनरली एलेपिड वेनम नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिन्हें न्यूरोटॉक्सिक कहा जाता है, जबकि वाइपेरिड वेनम ब्लड यानी रक्त का थक्का जमाकर प्रभावित करते हैं, जिन्हें हीमोटॉक्सिक कहा जाता है। भारत के चार मुख्य पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, जैसे इंडियन कोबरा, कॉमन करेट, रसेल वाइपर एवं सो स्केल वाइपर, जो घनी आबादी में स्नेक बाइट्स का कारण बनते हैं। लोगों में सांपों का इतना डर एवं खौफ होता है कि बिना जाने नॉन पॉइजनस स्नेक को भी मार दिया जाता है, जबकि इनसे इन्हें कोई हानि नहीं होती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कोबरा, मतलब जिसे हिंदी में नागराज के नाम से जाना जाता है, जो विश्व का सबसे लंबा एवं जहरीला सांप है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑफियोफेगस हन्ना है, जो किंग कोबरा एशिया में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है। ये भारत में ईस्टर्न घाट के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कोस्टल उड़ीसा, बिहार एवं बंगाल, स्पेशली सुंदरबन, इसके अलावा वेस्टर्न घाट के केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एवं गुजरात में भी स्पॉट किया गया है। किंग कोबरा की औसत लंबाई 3-4 मीटर तक हो सकती है, जबकि 5.85 मीटर की रिकॉर्ड लंबाई भी नोटिस की गई है। दोस्तों, स्नेक्स रेप्टाइल्स की श्रेणी में आते हैं। किंग कोबरा की स्किन ऑलिव ग्रीन होती है, जिसके ट्रंक पर ब्लैक एवं व्हाइट बैंड्स होती हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, जो इनके हेड तक जाती हैं। इनका स्नाउट राउंडेड होता है, जबकि इनकी टंग ब्लैक होती है। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, जिनमें आयरिश का कलर गोल्डन होता है, जबकि पिपिल्स राउंड होते हैं। दोस्तों, इनका हुड यानी फन ओवल शेप होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, जो ऑलिव ग्रीन स्केल से कवर होता है। इनमें 2 ब्लैक स्पॉट्स इनके नीचे वाले स्केल्स के मध्य में पाए जाते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। IUCN की रेड लिस्ट में किंग कोबरा को सन 2010 में कंजर्वेशन स्टेशंस वल्नरेबल में अंकित किया गया था, मतलब इनकी पॉपुलेशन घट रही है।
क्या आप जानते हैं किंग कोबरा को भारत का राष्ट्रीय सरीसृप मतलब नेशनल रेप्टाइल्स ऑफ इंडिया का सम्मान हासिल है। इसका वर्णन भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं म्यांमार की पौराणिक कथाओं एवं लोक परंपराओं में भी स्थान मिलता है। दोस्तों, किंग कोबरा का जेनरिक नाम ओफियोफेगस है, जिसका अर्थ स्नेक ईटर होता है, अर्थात किंग कोबरा दूसरे छोटे जानवरों के साथ साथ अन्य सांपों को भी खाता है। भारत में किंग कोबरा को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 2 में रखा गया है। इसको मारने पर 6 साल की सजा का प्रावधान है। वनों की कटाई, कृषि भूमि विस्तार के कारण इनके निवास के विनाश को ध्यान में रखते हुए इनकी जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो ड्राई लीव्स आदि से एक टीलेनुमा घोंसला बनाते हैं, जिनमें मादा 7-43 eggs देती है, जिनमें केवल 6-38 eggs ही हैच कर पाते हैं।